नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ इज श्वेता झाड़। आज आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक का हेडलाइन क्या है, द डेंजरस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने लास्ट डे आप लोगों से बात किया था कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे कॉन्फिडेंस को ग्रो करें और कॉन्फिडेंस का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जैसे कॉन्फिडेंस हमको बना सकता है, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस हमको बिगाड़ सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस एक इल्यूशन है हमारे माइंड का, जहाँ पे लगता है कि जितना भी सिचुएशन है सारे मेरे कंट्रोल में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये काम या जो फील्ड में मैं हूँ ये मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता है। हम जब इल्यूशन में इस दिमाग के हम जब इस पोजीशन में पहुँचते हैं, या हम बोल सकते हैं कि लाइफ के जब हम इस मोड पे होते हैं, जब हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब हमारा लाइफ जो है बहुत डेंजरस हो जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है और शायद आप लोगों ने भी फेस किया होगा, हमने आपने या सभी लोगों ने या 90% लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस को लाइफ में एक बार ना एक बार फेस किया है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर ये हमारा खुद का बनाया हुआ है तो इसको अच्छा बना सकते हैं, जो इसमें नेगेटिविटी है इसको हटा सकते हैं और इसको सही भी कर सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम ना दूसरे की बात सुनना छोड़ देते हैं। हमें लगता है हमारे फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज हमें को है। लाइक अगर मैं सोच लूँ कि अगर मुझे कुकिंग अच्छा बनाना आता है, तो मैं अगर ये सोचूं कि मुझे ही अकेला कुकिंग बनाना खाना बनाना अच्छा आता है, तो ये गलत होगा। तब क्या होगा कि अगर मेरे सामने में मास्टर शेफ भी आ जाएंगे तो मैं उनकी बात को जो इग्नोर करूंगा, इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा खाना शायद अभी तो अच्छा बनता हो, अपडेट नहीं होगा, धीरे धीरे जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा। तो ये है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम अपने लाइफ को कहीं ना कहीं रिक्सी भी करते हैं। कैसे, हम लोग खुद रिक्स फैक्टर में जाते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको ऑलमोस्ट एक साल डेढ़ साल करके उसको जो है 1-1.5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। आप सभी को जानते हैं शेयर मार्केट कितना बड़ा जोन है, लेकिन उसको अब लगने लगा है कि वो अकेला प्रॉफिट कर रहा है। वो क्या करता है, उसका जितना पूंजी लगता है रहता है उसके पास, वो सारा पूंजी इन्वेस्ट कर देता है। और उसको अपना इल्यूशन में उसको पता होता है कि ऐसे ऐसा होगा, अगर मेरा लॉस होने रहेगा तो मैं कंट्रोल कर लूंगी। लेकिन क्योंकि वो किसी से परामर्श नहीं लिया होता है, क्योंकि वो किसी से भी अपनी बात को डिस्कस नहीं किया होता है, तो क्या होता है ना, उसका मैक्सिमम चांस होता है पैसा जो है डूब जाता है। एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीसरी बार में डूब ही जाता है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल ये बताती हूँ, आपको ये बहुत रिलेट करिएगा। एक ड्राइवर है जो 20-30 साल से गाड़ी चलाता है, या सोच लीजिए 1 साल या सोच लीजिए 10 साल, उनको ये लगता है कि भाई मैं तो बहुत दिनों से गाड़ी चला सकती हूँ। वो अपने आप को रिक्सी फैक्टर में लेके जाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आपको पता है आज के डेट में ऑन रोड एक्सीडेंट कितने हुए रहते हैं, और 90% ये सारे एक्सीडेंट हो हमारे, इसका मतलब एक्सीडेंट आप ये मत देखिए, एक्सीडेंट हो जो हम खुद दुर्घटना को बुलाते हैं, या असफलताएं हो, सिर्फ शेयर मार्केट को मत देखिएगा। ये आज के तौर पे अच्छा एग्जाम्पल था तो मैंने इसको दिया। हम अपना असफलता को भी ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में लिए हटा देते हैं। बहुत सारे बैचलर्स लोग, फ्रेशर लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको लगता है उनको सब कुछ आता है, इसलिए वो ट्राई नहीं, वो एक बार भी चीज़ों को पढ़ के देख के नहीं जाते, रिसर्च करके नहीं जाते और वो फेल हो जाते हैं। ये सारे टाइप में अगर आप देखिएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको डे टू डे आपका लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस हमें बेटर करता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हमें खराब कर सकता है, क्योंकि हमें सुनने का समझने का क्षमता चला जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे हमें खराब करता है। हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, हम अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हम आई एम द परफेक्ट, मैं ये काम में परफेक्ट हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, इस दुनिया में और आप लोगों को भी पता होगा, नो वन इज द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन, नॉट मी, नॉट यू, नॉट एनी वन। Anyone's watching और उनको लगता है कि he is perfect, तो sorry to say but you are not perfect, आप ये चीज को accept नहीं करते हैं। बात करते हैं कि हम अब ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। हम
कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस में कैसे बैलेंस करेंगे? तो जहां तक मुझे लगता है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम जो है कोई भी चीज को स्वीकार करना छोड़ देते हैं, हम बस अपने आप को एक्सेप्टेंस देते हैं, अपने थॉट को मानते हैं, अपने स्किल पे भरोसा करते हैं, किसी और को लगता है कि वो हमारे सामने में फीका है। तो आपको जो है ना, जो काम में आपको लगता है कि आप परफेक्ट है, वैसे ही जो और भी ये काम करते हैं, सोचिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको लगता है कि आप एडमिन, एज एन एग्जाम्पल, आप एडमिन फील्ड में परफेक्ट है, तो आपने क्या किया ना, 10 और सीनियर एडमिन के पास जाइए, हो सके तो 100 एडमिन के पास जाइए और जाके देखिए कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज है, उस चीज को आप अपने आप में लाइए। आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे कोशिश करते रहना है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने का कोशिश में ही सारे इंसान जो है आज तक सांस अपना छोड़ा है। तो आप भी वही कोशिश करिए। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट में आप अपने आप को, अपने लाइफ को रिस्क देते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस ना होना हमें अनसेटिस्फेक्शन लाइफ देता है, वैसे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होना हमें और हमारे सराउंडिंग को मतलब अनसेटिस्फेक्शन लाइफ देता है, क्योंकि आपके प्रेजेंस तब किसी को अच्छा नहीं लगता है। और लोगों से थोड़ा सुनिए, लोगों का थोड़ा फीडबैक लीजिए, ये बहुत जरूरी है। सोचिए आपको लगता है आप एडमिन फील्ड में बेस्ट है बिकॉज आप वहाँ का सीनियर मैनेजर है, एज एन एग्जाम्पल, लेकिन आप ना 10 कंपनी का सीनियर मैनेजर से बात करिए। बात करने के बाद आप बोलिए कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, तुम अपने कंपनी में क्या क्या करते हो, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट बोलेंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा ठीक है, ये फीडबैक भी जरूरी था, राइट। दूसरी चीज है कि आप सोचिए कभी भी कोई चीज में डिसीजन ले रहे हैं और आप सिर्फ अपने अपने से बात करके डिसीजन ले रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट होके फटाक से डिसीजन मत ले लीजिए। थोड़ा सा ना, एक बार डिसीजन लेने के बाद एक स्टेप बैक करिए, फिर से जो पूरा चीज को सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। तब आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे और आपका डिसीजन भी सही जाएगा। रिस्क फैक्टर सारे चीजों में रहता है, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, जो हमारे हाथ में वो हमें कर लेना चाहिए, राइट। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए अपना फील्ड में, सोचिए आप बिजनेसमैन है तो आपका दुकान जो है बहुत अच्छा चल रहा है, या सोचिए आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करिए ना कि आप सोच रहे हैं कि आपने 1 लाख का महीना में कमाया, तो अपना कमाने को सोचिए बड़ा कर लीजिए। सोच लीजिए कि मुझे एक हर महीने में 5 लाख रुपया कमाना है। अब जब भी आप 1 लाख से 5 लाख रुपए में जंप मारिएगा, तब आपका तो तुरंत नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड में मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ हूं। ग्रोथ जैसे ही आप डिसाइड कर लीजिएगा ना कि मुझे इसके आगे, सोचिए आपका 5 लाख भी आपने अचीव कर लिया, फिर सोचिए 10 लाख, 5 लाख अचीव करने में सेटिस्फाई रहिएगा, लेकिन अपने दिमाग को बोलेगा और बड़ा करना है, इससे आप कभी भी आपको नहीं लगेगा आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो आज मैंने अपने वीडियो से आपको बताया ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, हमें कैसे इसको ठीक करना है, हमें कैसे इसको राइट पाथ में लेके आना है, और हमें कौन से चीजों को इग्नोर करना, कौन से कौन चीजों को हमें इंपॉर्टेंस देना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को लगा होगा या खुद का सोच से आया होगा कि कुछ ऐसा पॉइंट था जो मैंने मिस किया, ओवर कॉन्फिडेंस को कमाने में क्या मुझे हेल्प कर सकता है, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।